हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सेबाउट अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वन ऑफ द वेरी प्रोमिनंट टॉपिक फॉम इंटरनेशनलेंट सो लेट्स बिगिन सो बेसिकली वन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल एच आर एम तो इंटरनेशनल एच आर एम है क्या उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं वॉट हैपन्स वेन अंपनी इज लेटेस्ट सपोज ऑपरेटिंग इन इंडिया कोई कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है और वो इंडिया से यू एस ए में जाके अपना कोई ब्रांच खोलना चाहती है तो ऑब्वियसली अब वो इंडिया से अगर यू एस जा रही है तो दे विल बी रिक्वायरिंग स्टाफ उसको यू एस में खोलने के लिए वहाँ स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो जो स्टाफिंग आप करते हो उसके डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज़ होते हैं कि आपने यू एस में जो स्टाफ रखा यू एस में जो सिलेक्शंस रखी यू एस में जो लोगों को जॉब मिली उस उस कंपनी में आपके ही सब्सिडरी यूनिट में इंडिया से जाने के बाद तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो किस अप्रोच से सिलेक्ट हुए तो लेट्स टॉक अबाउट दोज अप्रोचेस उसी को हम अप्रोच की बात करेंगे तो दोज आर कॉल्ड की अप्रोचेज इन स्टाफिंग जो पहला अप्रोच इसमें यूज होता है दैट कॉल्ड इथनोसेंट्रिक अप्रोच एंड द सेकेंड अप्रोच विच वी यूज इज कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक अप्रोच एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द जियोसेंट्रिक अप्रोच तो ये काफी कॉमन टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से हमेशा हमें एग्जाम में पूछा जाता है लेट्स टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देमन बाई वन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एथनोसेंट्रिक अप्रोच अब एथनोसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है इन दिस अप्रोच ऑल द की मैनेजमेंट पोजिशंस आर हेल्ड बाई पेरेंट कंट्री नेशनल अब यहाँ पे दो टर्म्स में आपको समझाना चाहता हूँ वन इज कॉल्ड द पेरेंट कंट्री नेशनल्स एंड देर अनदर इज कॉल्ड एज होस्ट कंट्री नेशनल अब अभी भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी लेटस्ट सपोज इंडिया से कोई कंपनी जाके फॉर एक्जाम्पल टाटा इज एन इंडियन कंपनी दे वॉन्ट टू स्टार्टअप देर ऑफिस इन टू यू एस से यू एस में जाकर वो अपना प्लांट खोलना चाहते हैं तो व्हाट विल हैपन इज़ कि आप जहाँ जो कंट्री का जहाँ से आपका होम कंट्री है जहाँ पर आपका बेस है दैट इज कॉल्ड एज पेरेंट कंट्री और जहाँ पर आप जाकर खोलना चाहते हो वो दैट इज कॉल्ड योर होस्ट कंट्री तो अब एथनोसेंट्रिक अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जितने भी मैनेजमेंट पोजीशन होते हैं जो मेन मेन आपके पोजीशंस होते हैं वो सभी पेरेंट कंट्री नेशनल को दिए जाते हैं पेरेंट कंट्री नेशनल मतलब कि इंडिया के लोग ही इंडिया से यूएसए जाएंगे एंड दे विल होल्ड द की पोजिशन उनको वो की पोजिशन दिए जाएंगे सो दैट्स द रीज़न वाई अब ऑब्वियसली हो सक डेफिनेटली ये प्रोसेस बहुत ही एक्सपेंसिव होने जा रहा है बट इसका इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटेजी इज रियली गुड इन द इनिशियल फेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस जब भी इनिशियल फेज में फॉर एग्जाम्पल आप इनिशियली आपने टाटा ने शिफ्ट किया प्लान किया इंडिया से यूएसए जाने का तो ऑब्वियसली दिस प्रोसेस आपको इनिशियली एक्सपेंसिव पड़ेगा बट इट इज रियली हेल्पफुल या आपको फायदा भी कराएगा वाई यू विल गेट बेनिफिट उसका रीजन क्या है बिकॉज आप अपने ऑलरेडी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी को जो इंडिया में जिस वजह से आप कामयाब हुए थे आप कहीं ना कहीं उसको ट्रांसप्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं इनटू अ न्यू कंट्री तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने आपको इंडिया में कामयाब बनाया है दे आर द बेस्ट सुटेड पीपल हु कैन गो ओवर गो इन टू एंड दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू सक्सेस इन दैट कंट्री ऑल्सो तो कहीं ना कहीं हम अपने लोकल लोगों पर भरोसा करते हैं जिन लोगों पर ऑलरेडी हमने ट्रायल एंड टेस्टेड लोग होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमारा की पोजीशन इंडिया में होल्ड किया है तो आप उन लोगों को हायर करते हो और उन लोगों को यू एस के लिए फ़ॉरन असाइनमेंट्स के लिए भेज देते हो तो जब भी आपके आ, जो की पोजीशंस होंगी जो मैनेजमेंट पोजीशंस होंगी अगर वो पेरेंट कंट्री नेशनल्स होल्ड कर रहा है मतलब आपके जो होम कंट्री के लोग हैं जो बेस कंट्री के लोग हैं वो उन पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं दूसरी कंट्री में जाके तो उस अप्रोच को हम एथनोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें जापनीज कंपनीज में देखने को मिलता है साउथ कोरियन कंपनीज़ में देखने को मिलता है कंपनीज़ लाइक टोयटा कंपनीज़ लाइक होंडा कंपनीज लाइक सैमसंग इस तरह की कंपनीज हमेशा ऐसा करती है कि जो अपने की पोजिशन्स होती हैं वो अपने ही कंट्री के लोगों को देते हैं मतलब अगर टोयटा इंडिया में भी कोई इसकी की पोजीशन होगी तो वो टोयटा जापान से ही कोई आकर उस पोजीशन को होल्ड करता है सो दिस इज ऑल अबाउट एथनोसेंट्रिक अप्रोच लेट्स मूव टू पॉलीसेंट्रिक अप्रोच अब पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है तो इन दिस अप्रोच कंपनी हायर्स फ्रॉम होस्ट कंट्री नेशनल अब होस्ट कंट्री मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप इंडिया आपकी बेस कंट्री है तो वो आपकी पेरेंट कंट्री हो गई और आप यूएस में जाकर ओपन कर रहे हो तो यूएस आपकी क्या बन गई होस्ट कंट्री तो आप इस अप्रोच में क्या करते हो इंडिया से कोई पर्सन आप यहाँ नहीं भेजोगे आप अपने सारे की पोजिशन जो है वो वहाँ के लोगों को दोगे यूएस के लोग हायर होंगे और होस्ट कंट्री जो है वो होस्ट कंट्री नेशनल्स कहलाते हैं एंड दे विल बी मैनेजिंग योर सब्सिड्रीज जो सब्सिडरी आप वहाँ जाकर खोलोगे उसको वो मैनेज करेंगे बट यहाँ पर एक छोटा सा इशू रहता है वो आप करते क्या हो कि जो पेरेंट कंट्री नेशनल्स होते हैं उनको आप हेडक्वार्टर पोजीशंस दे देते हो तो कहीं ना कहीं जो हेडक्वार्टर बनेगा यूएस में जाकर के वहाँ पर तो आपके पेरेंट कंट्री के ही लोग काम करेंगे बट जो आगे आप यूएस में एक्सपैंड करोगे मान लो आप अब यूएस के किसी एक प्रोविंस में चले गए सेकंड प्रोविंस में चले गए थर्ड प्रोविंस में चले गए तो वहाँ पर जो सब्सिडरी आप खोल रहे हो वो सभी जो है होस्ट कंट्री वाले मैनेज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया पेरेंट कंट्री वाले आपको हेडक्वार्टर में देखेंगे एंड दे विल बी जो होस्ट कंट्री वाले होंगे दे विल बी लुकिंग आफ्टर इन टू तो दिस इज़ आल्सो अ गुड अप्रोच ये भी एक अच्छा अप्रोच है क्योंकि इसमें दोनों तरह का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा एक डायरेक्शन देने के लिए आपको पेरेंट कंट्री नेशनल्स मिल जाएंगे और जो एग्जीक्यूट करने वाला काम है वो सारा होस्ट कंट्री वाले लोग करेंगे जो यूएस से ही रिक्रूट होंगे बेस्ट क्या हो सकता है कंट्रीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर नेस्ले ये ऐसा ही करती हैं हैं बनाती और है, में जो है इनके अपने लोग बैठते हैं जो इनके मेन बेस कंट्री के लोग होते हैं बट आगे ये सब्सिडरीज बना देती हैं एंड दो सब्सिडरीज आर हेडेड बाय होस्ट कंट्री पीपल अगर वो इंडिया में आ रहे हैं तो फिर इंडिया के लोग ही उस पर्टिकुलर प्लांट को या उस पर्टिकुलर सब्सिडरी को हेड कर रहे होते हैं लेट्स टेक अप द थर्ड अप्रोच एंड दिस इज कॉल्ड जियो अप्रोच अब जियो सेंट्रिक में क्या होता है इन दिस अप्रोच ऑल द की पोजिशन आर गिवन टू थर्ड कंट्री नेशनल्स तो अभी तक हमने पेरेंट कंट्री नेशनल्स की बात की थी हमने होस्ट कंट्री नेशनल की बात की थी अब थर्ड कंट्री नेशनल्स आ गए अब थर्ड कंट्री नेशनल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं थर्ड कंट्री नेशनल में क्या होता है कि इट द मेन फोकस इज सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द जॉब अभी तक हम कर रहे थे कि दो ही जगह से रिक्रूटमेंट हो सकती है मतलब अगर हम इंडिया से यूएस जा रहे हैं तो अगर या तो आप इंडिया से लोगों को यूएस भेज दो जो कि हमारा इथनोसेंट्रिक अप्रोच है या आप यूएस में ही लोगों को हायर कर लो जो कि आपका पॉलिसेंट्रिक अप्रोच है और एक ऑप्शन आपके पास ये होती है कि ना इंडिया से हायर करो ना यूएस से हायर करो बल्कि आप हायर करो थर्ड कंट्री से वो जर्मनी से आ सकते हैं वो फ्रांस से आ सकते हैं वो यूके से आ सकते हैं वो किसी भी कंट्री से आ सकते हैं वो उनका नेशनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है कि उनकी बेस कंट्री क्या है या उसका होस्ट कंट्री क्या है वो कुछ मैटर नहीं करता अगर उस पर्सन वो पर्सन हमें राइट right पर्सन लग रहा है फॉर द जॉब और इफ ही इज एबल टू डू दैट जॉब पर्टिकुलरली वेल यू विल ऑलवेज भी हायरिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन आप उसी पर्सन को हायर करना पसंद करोगे जो कॉमन कंपनीज ऐसा करती हैं दैट्स कॉल्ड पेप्सिको कोका कोला कोलगेट आजकल तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी इन्वॉल्व हो गया है आपके गूगल भी इन्वॉल्व हो गई है ये सारी कंपनीज भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इनका जो सी है वो इंडियन है तो कहीं ना कहीं जो की पोजिशन है वो आपने कहीं ना कहीं एक थर्ड कंट्री नेशनल को दे रखा है सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल तो यहाँ पर तीनों अप्रोच आपकी काम कर सकती है एक आप पैरट कंट्री से भेज दीजिए हेड करने के लिए की पोजीशंस को लीड करने के लिए आप होस्ट कंट्री से रिक्रूट कर लें या फिर आप थर्ड कंट्री वाले लोगों को हायर वन ऑफ द की क्वेश्चंस जो एक क्वेश्चन जो मुझे काफी लोग पूछते हैं या जब भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ स्टूडेंट हमेशा मुझसे पूछता है कि सर ये तीनों अप्रोच में से कौन सा अप्रोच अच्छा है इज एथनोसेंट्रिक इज गुड और पॉलिसेंट्रिक इज गुड और जियोसेंट्रिक इज गुड तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन पर डिपेंड करता है लेट मी एक्सप्लेन बाई गिविंग यू सर्टन एग्जाम्पल इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और वो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो फर्स्ट टाइम एक्सपैंड करने जा रही है तो जब आप फर्स्ट टाइम एक्सपेंशन के बारे में सोचते हो इट इज ऑलवेज गो विदीएन पैर कंट्री मतलब इथनोसेंट्रिक अप्रोच को यूज करें क्योंकि वहां पर आपको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग होते हैं उनका एक्सपीरियंस मिलता है उनका ट्रस्ट मिलता है उनकी लॉयल्टी मिलती है तो आपको काफी हेल्प मिलता है ऑन द अदर साइड अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छा ग्रो कर जाती है जो इनिशियल सक्सेस था आपको वो मिल जाता है उस कंट्री में तो वहां पर फिर आप होस्ट कंट्री वालों को भी अगर आप रख दोगे एंड ओनली हेडक्वार्टर बाय हेडक्वार्टर में अपने जो पी वाले लोग हैं उनको रखोगे तो पॉलिसेंट्रिक अप्रोच भी आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगी ऑल्डो इन सर्टन कंट्रीज लाइक चाइना जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल है वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ नेगोशिएट करना ही बहुत चैलेंज है तो उस सिचुएशन में आपके जो होस्ट कंट्री के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं उसको नेगोशिएट करने में दे दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग लुक एट इंडियन मार्केट अब अगर इंडियन मार्केट कोई देखो अब इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि अगर आप इंडियन लोगों को हायर नहीं करोगे यू विल भी नॉट बी एबल टू स्पीक टू देर लॉन्ग लैंग्वेज ऑल्सो एंड यू विल नॉट बबल टू अंडरस्टैंड वट काइंडफ़ कस्टमर वी हैव इन इंडिया वट काइंड ऑफ क्लाइंट वी हैव इन इंडिया तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा इस तरह की कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कंट्रीज हैं बहुत डाइवर्स कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए Uh, जो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच है वो काफ़ी अच्छा है एंड देन इन थर्ड केस जहाँ पर हम सिर्फ एक्सपर्टीज बेस कोई काम लेना चाहते हैं वी जस्ट वांट द पीपल टू कम एंड ज्वाइन अस एंड दे कैन डू देर दे कैन ऐड थ्रू देर एक्सपर्टीज इन दैट सिचुएशन वी कैन हैव थर्ड कंट्री नेशनल जो कि स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं अगर आप कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हो कुछ भी ऐसी चीज़ जो पर आपको लगता है कि दिस पर्सन दिस पर्टिकुलर कंट्री पीपल हैज वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग लाइक लुक एट इन ऑटोमोबाइल्स जर्मनी के लोगों का काफी अच्छा हैंड होता है दे आर लाइक काफी बेस्ट होते हैं तो इन दैट सिचुएशन इफ यू आर लुकिंग फॉर डिजाइनिंग ऑफ एन इंजन और यू वॉन्ट समथिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली तो फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज वहां पे थर्ड कंट्री नेशनल आर रियली गुड तो इस तरीके से कोई भी ऐसा कोई बेस्ट टेक्निक नहीं है इट इज़ जस्ट द नेचर ऑफ़ द कंट्री एंड द टाइप ऑफ जॉब टू बी डन इन दोनों चीजों पर यह डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक माई चैनल डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट दैट बेल लाइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो